पुलवामा या ठिकाणी जे दहशतवादी हल्ला झाला, पाकिस्तानतर्फे जे घाणेरडं कृत्य झालं, त्याचा आम्ही ग्रामपंचायत आगरच्या वतीने व बादशाह तलावच्या वतीने जाहीर निषेध करतो. आणि त्यामध्ये जे आमचे CRPचे 44 जवान शहीद झाले, त्यांना आम्ही बादशाह तलावच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली देतो. आणि पाकिस्तानला वारंवार या घाणेरडं कृत्याचं उत्तर आम्ही त्या पाकिस्तानला नेस्त नाबूद केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि वारंवार हे हरकत करत आहे पाकिस्तान, आम्ही प्रत्येक वेळ त्यांच्याशी मैत्रीचं हात पुढं करत आहे, परंतु ते आम्ही आम्हाला त्याचं वेगळ्या पद्धतीने उत्तर देत आहे. ते म्हणतात ना, लातो के भूत बातोचे नाही मानते, एक धक्का आवर दो पाकिस्तान तोड दो. या प्रकारे मी शासनाला अशी विनंती करतो का, यावेळची आम्ही जे कॅन्डल लावून श्रद्धांजली वाहिली, पुढची श्रद्धांजली आम्ही पूर्ण पाकिस्तान पेटून मग श्रद्धांजली वाहू, अशा प्रकारचा मी जाहीर निषेध करतो. पंचायत आगर मौजे बादशाह तलाव के तरफ से जो कल पुलवामा में हुआ दहशतगर्दी हल्ला, उसमें जो शहीद जवान हुए हैं उनको श्रद्धांजलि पेश करने के लिए हम यहाँ पे सब जमा हुए हैं. और जो आतंकवादी ने जो घान काम किया है, गंदा काम, उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं सब. ग्रुप ग्राम पंचायत मौजे आगर यांच्याकडून भावपूर्वक श्रद्धांजली झालेल्या सर्व शहीदांना मौजे ग्रुप ग्राम पंचायत आगर व मौजे बादशाह तलाव यांतर्फे आम्ही पूर्ण भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहत आहोत. ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती. आज जो कुछ भी हमला हुआ अपने इंडिया के जवानों पर, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती, ये हम लोग महसूस कर सकते हैं. और इसकी हम लोग को, हमने इसी के लिए उन लोग को श्रद्धांजलि दी है. और हम यही दुआ करेंगे कि उनको जन्नत में जगह मिले. जम्मू कश्मीर यहाँ पे हो गए कल रात में दहशतवादी हल्ले में हमारे 44 जवान शहीद हुए. आज बादशाह तलाव पे शहीदों को कैंडल जला के शहीदी दी गई. लेकिन मोदी सरकार को हमारे गांव से इतनी ही विनंती है कि आज हमने कैंडल जला के शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए, कल हम पाकिस्तान सिलगा के हमारे जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे. यह हमारी मोदी सरकार को नम्र विनंती है. हमारे विनंती को आप मान दीजिए, यही हमारे बादशाह तलाव की और हमारे गांव के लोगों की आपसे नम्र विनंती है.